लोग पिछले एक सेक्शन में पढ़े फाइलम सिलेंटेटा के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंटेटा और निडेरिया में थोड़ा डिफरेंस क्या है? सिलेंटेटा मतलब हुआ होलो बॉडी, जो हम लोग पिक भी देख चुके, बोर्ड पर बनाए थे हाइड्रा का, जो अभी तो नहीं है, हम लोग बोर्ड पर भी देखे। और निडेरिया क्यों बोले? कि उसके टेंटिकल पर नीडो ब्लास्ट था, उसके टेंटिकल पर क्या था? नीडो ब्लास्ट, जो कि स्टिंग सेल होता है नेमेटोसिस्ट, जो पॉइजन होता है। आज हम लोग अब जो है एक न्यू फाइलम पढ़ेंगे, और उस फाइलम का नाम क्या है? टीनोफोरा। टीनोफोरा सी साइलेंट है, सी को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, हम लोग सीधे बोलते हैं क्या? टीनोफोरा। इसके बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं कि पहले टीनोफोरा सिलेंटेटा में ही था। पहले ये फाइलम अलग है, ये है फाइलम टीनोफोरा। हम लोग अभी पढ़े थे क्या? सिलेंटेटा। तो पहले आज से कुछ साल पहले ये फाइलम और सिलेंटेटा दोनों एक साथ था। कैसे? इंडिया पाकिस्तान पहले एक था, ये भी एक था, इसको अलग कर दिया गया। क्यों अलग किया गया? तो कुछ तो वजह होगा कि इसका कैरेक्टर उसका कैरेक्टर में अंतर होगा। तो हम लोग ये जो पॉइंट का आज तक बात किए थे नीडोब्लास्ट, और जिसमें नीडोब्लास्ट पाया जाता है वो होता है निडेरिया। तो ये जो नीडोब्लास्ट है ना, ये इसमें नहीं पाया जाता है। नीडोब्लास्ट सिलेंटेटा का कैरेक्टर है, जितना भी सिलेंटेटा होगा उसमें नीडोब्लास्ट होगा, लेकिन टीनोफोरा में ये नीडोब्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको निडेरिया से हटा दिया गया। समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नीडोब्लास्ट इट बिकम सेपरेट फाइलम। और बहुत सारा कैरेक्टर कॉमन है, क्योंकि जब उससे था ही तो कैरेक्टर तो कॉमन होगा ही। क्या क्या कॉमन है? तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ये फाइलम भी डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसके बॉडी में भी दो लेयर, इक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें भी टिश्यू लेवल तक ही है, वो फाइलम का पार्ट ही था। इसका भी डेवलपमेंट कहाँ तक है? टिश्यू लेवल तक, ऑर्गन नहीं आया अभी, टिश्यू लेवल। डिप्लोब्लास्टिक उसी का फीचर्स, टिश्यू लेवल उसी का फीचर्स है। सिमेट्री कैसा है? तो रेडियल। सिलेंटेटा भी रेडियल सिमेट्री था, और ये भी रेडियल सिमेट्री है। रेडियल मतलब बता चुके थे ना, जैसे स्टारफिश, जैसे बॉडी का जो पार्ट है वो सेंटर से कट हो, सेंट्रल एक्सिस से, रेडियस से बोलते हैं ना हम लोग, इस तरह से रेडियस। तो अगर हम लोग सेंटर पॉइंट से, सेंट्रल एक्सिस से अगर बॉडी को मोर देन वन प्लेन, क्योंकि बायलैटरल में सिर्फ एक प्लेन होता है और रेडियल में मोर देन वन प्लेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो एनिमल होता है उसको बोलते हैं सी वॉलनट। वो राउंड जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा गोल गेंदा की तरह, ठीक है, और इसमें एट प्लेट होता है, इस तरह से टोटल आठ प्लेट होता है, ठीक है। और हम लोग इसको पिक से पहले एक बार देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है इस फाइलम का प्लूरोबैंकिया और टीनोप्लाना। तब ध्यान से अगर देखिएगा इसको, तो देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से क्या है? पूरा रेडियली चारों तरफ टोटल इसका आठ प्लेट है। इसमें भी है, लेकिन ये पिक वन डायमेंशन में, इसलिए पता नहीं चला। आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, उसमें ये बहुत सही तरीके से बना हुआ। इसका नाम है सी वॉल नट। तो नट कैसा होता है? नट खाते हैं ना, अखरोट या कुछ भी, तो कैसा होता है? गोल जैसा। इसका सिप भी कैसा है? राउंड है, और इसमें एट प्लेट है। अगर हम लोग इसको देखते हैं फीचर्स को, तो ये भी क्या है? कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, दे आर एक्सक्लूसिव मैरिन, ठीक है। टिश्यू लेबल रेडियल सिमेट्रिकल, जो हम लोग बोर्ड पे पढ़े, और ये जो भी बता रहे थे क्या, कि बॉडी बी आर एट एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिया, सिलिया जैसा होगा, कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब इसमें एट कॉम्ब प्लेट है, जैसे कंघी में दांत होता है ना,
तो इसमें भी छोटा 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 हेयर जैसा होगा, इसको बोलते हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इज पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पार्टली इंट्रा सेलुलर, सेम फीचर्स है। एक न्यू फीचर्स है इसमें, क्या न्यू फीचर्स है? बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? लाइट प्रोड्यूसिंग फीचर, जैसे जुगनू। जुगनू भी क्या है? बायोलुमिनेसेंस। बायो मतलब लिविंग और लुमिनेसेंस मतलब इमिट लाइट, इमिट मतलब प्रकाश निकालना। तो अगर कोई एनिमल अपने बॉडी से लाइट को निकालता है तो उसके उस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस इस फाइलम का जितना भी एनिमल उसका एक वेल मार्क फीचर्स है, ठीक है। एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट, सिलेंटेटा भी हर्माफ्रोडाइट था। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में हो। जैसे हम लोग अलग हैं, हम लोग मेल अलग हैं फीमेल अलग है। कॉकरोच में भी मेल कॉकरोच अलग होता है और फीमेल अलग होता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल अलग नहीं है, दोनों का ऑर्गन एक ही के बॉडी में है। तो जब ऐसा होगा, जैसे फ्लावर, वो तो सबको देखे होगा ना, 10th क्लास में पढ़ना भी था। तो फूल में ही होता है स्त्री केसर और पुंग केसर, यानी कि एंड्रोसियम मेल पार्ट और गाइनेसियम फीमेल पार्ट। तो दोनों तो एक ही फूल में है, तो उस फूल को भी क्या बोलते हैं हम लोग? बाइसेक्सुअल। तो एनिमल में क्या बोलते हैं हम लोग? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। और जब सेक्स सिंगल होता तो बोलते यूनिसेक्सुअल। तो हर्माफ्रोडाइट है यानी मेल फीमेल एक साथ है, रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअली, एक अंतर ये हो गया। सिलेंटेटा में क्या था? सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी, लेकिन इसमें सिर्फ सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी इसमें भी लार्वा प्रजेंट होगा, लार्वा इज प्रजेंट। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनो प्लाना। हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है यही है इसका कॉम्प्लेट, जो टोटल कितना होगा? 8 इन नंबर, ठीक है। ये तो पिक से पता चला कि एकदम ये वॉल के नट की तरह है, गोल जैसा है और एक्वेटिक है। अगर आपको एक डिफरेंस पूछा जाए कि सिलेंटेटा में और टीनोफोरा में डिफरेंस बताइए, तो इसमें जो पॉइंट बोल रहे हैं अभी वो याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में पूछता है। सबसे पहला पॉइंट कि क्यों सेपरेट किया गया, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट नहीं है। क्या नहीं है? नीडोब्लास्ट। पहला कि नीडोब्लास्ट सिलेंटेटा में था, इसमें नहीं है। दूसरा पॉइंट, सिलेंटेटा में फ्रेश वाटर भी था, हाइड्रा हम लोग डिस्कस किए हैं जस्ट, लेकिन इसमें फ्रेश वाटर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैरीन है, सिर्फ समुद्र में पाया जाएगा। दो पॉइंट हो गया। सिलेंटेटा में बायोलुमिनेसेंस नहीं था, उसका एनिमल में लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं था, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें बायोलुमिनेसेंस है। थर्ड पॉइंट, उसमें सेक्सुअल भी था एसेक्सुअल भी था। किसमें? सिलेंटेटा में। इसमें सिर्फ सेक्सुअल है। तो ऐसा कुछ पॉइंट है जो एक दूसरे से अलग किया गया, इसीलिए इसको एक छोटा फाइलम के रूप में, एक छोटा क्लास के रूप में हम लोग इसको अलग कर दिए, कैटेगराइज कर दिए और फाइलम का नाम दे दिए फाइलम टीनोफोरा। एक और भी रिमार्केबल पॉइंट है, कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट सिर्फ इस फाइलम में होता है और सिलेंटेटा में नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था जो जानना है और आप लोग को याद भी करना है। तो आज हम लोग का क्लास जो है, ठीक है, ये दो टॉपिक के साथ, एक सिलेंटेटा और एक टीनोफोरा, क्या डिफरेंस था जरूर याद रखिएगा। डिफरेंस याद रखने से क्या होता है कि आप कंपेयर करते हैं, तो जब तुलना करते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, ठीक है, डिफरेंस पॉइंट के साथ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में प्लैटी हेलमिंथिस पढ़ेंगे, जहाँ पर पहला बार ऑर्गन का बात होगा। अभी आज तक हम लोग टिश्यू पढ़े कि एनिमल आया, लेकिन कहाँ तक? टिश्यू तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लैटी हेलमिंथिस पूरा डिस्कस करेंगे। वो बड़ा फाइलम है जिसका एग्जांपल टेपबर्म है, फीता क्रीमी सुने भी होंगे, लीवर फ्लूक, उसका लाइफ साइकिल भी पढ़ना है कुछ, जो कि कंपेरेटिव सेक्शन होगा। तो हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग अगला फाइलम को।
चलिए धन्यवाद, आप लोग थोड़ा सभी को क्वेश्चन वगैरह बनाइएगा।